काफ़ी भाई प्रेग्नेंट भैंसों की काफ़ी डिमांड करते हैं, तो आज की वीडियो में आप एक प्रेग्नेंट भैंस देख पाएंगे जिसने जो पिछले ब्यांत में भी काफ़ी अच्छा दूध दिया था। तो युवा साथी हैं जितेंद्र भाई, इनसे इस पशुधन के बारे में पूछ लेते हैं। तो जितेंद्र भाई, राम राम। राम राम भाई, क्या चाल है जी? बढ़िया। बताएं कौन से ब्यांत में अभी जैसे आगे बच्चा देगी? भाई ये चौथे ब्यांत में बच्चा देगी। चौथे ब्यांत में आगे बच्चा देगी जी। तो पिछली बार कितना दूध था? 22 किलो दूध। 22 किलो दूध पिछले ब्यांत में दिया। आगे कितने महीने प्रेग्नेंट है? ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी, 8वें में अब लग जाएगी। अच्छा, 7 की होके 8वें महीने में लगेगी। तो कौन से सीमन से क्या बिना है जी? ये बुल से ही है, सरकारी बुल से हमारे यहाँ से। अच्छा, पंचायती बुल है। पंचायती बुल, ठीक है। तो पंचायती बुल से आगे गैप बिना है जो 7वें महीने में। इधर ले जाओ एक बार, तो पशुधन को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। अभी दूध कितना है? 9 से 10 किलो। 9 से 10 के बीच में दूध है। बच्चा क्या है? बच्चा इसमें मेल काफ है। 7 में इसके मेल काफ है। एक बार वापिस लेके आओ भाई, एक दो राउंड जरूर मरवा के दिखाएं। तो देखिए आगे 7वें महीने में प्रेग्नेंट लगेगी। काफ़ी भाई प्रेग्नेंट भैंसों की डिमांड करते हैं। ये देखें, अडर क्वालिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे पिछले दिनों में जो स्पेस आप भाइयों को कम दिखाई दे रहा है, तो बाकड़ी जो भैंसें होती हैं उनमें अक्सर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ताजी भैंस का कुछ अडर होगा और अभी आपको कुछ दिखाई देगा। तो इस चीज़ के बारे में जो ज़्यादा ना सोचे। मोबाइल नंबर और बताएं अपना। 7404501896 तो इनके संपर्क सूत्र हैं। और पशुधन को एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ भाई जी। इसका थोड़ा बहुत बाखड़ेपन में थनक भी घटता है। अच्छा, हाँ, ये बात क्लियर कर देना चाहेंगे क्योंकि बाद में कोई भाई बोले। हाँ, अभी भी दूर से जी। हाँ, तो जैसे जब ताजी होती है उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार ताजी में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक सुस्पष्ट जो भाई ने जानकारी दी है, ताकि कोई भाई दूर से आए उसका उसको जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक बार मैं अंदर से भी भाई का जो डेयरी फार्म है वो दिखा देता हूँ। और भी काफी सारी भैंसे, और इनमें से कौन सी भैंस है जैसे जो सेल करने वाली है? सेल करने वाले भाई अभी तो 4 ही भैंसे हैं। 4 भैंसे हैं, बता दे उनके बारे में। तीन धनों वाली है ये जी। कितना दूध है इसमें? 13 लीटर दूध है। 4 दिन की ब्याई में 13 लीटर दूध। और इसके साथ में ये फीमेल काफ है। क्या कीमत है इसकी? 1,35,000 रुपए। तीन थन है भाई इस भैंस के। एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसको मैं बाद में डाल लूंगा। और इससे आगे भी कर दो, एक बार इस साइड कर दो इसको। ये देखें भाई, नीचे से जो ऑर्डर क्वालिटी है 18 से 19 लीटर दूध जो ये निकाल लेगी जी। इससे आगे ये दूसरे ब्यांत की झोटी है। बच्चा नहीं है इसके, बच्चा 7 में नहीं है। 13 लीटर दूध तैयारी का है। प्रेग्नेंट कितनी आ गए? प्रेग्नेंट तो 1.5 महीने की है जी। 1.5 महीने की जी, ठीक है। सीमन भाई ने रखवाया हुआ है। इससे आगे एक और, ये भी बाकड़ी है। 7 महीने की क्या बिना भी दिखाई है तो वही है ना? ठीक है। तो ये आगे भाई 7 में महीने में जो लगी है जी, इसका प्राइस 1,10,000 की, ठीक है। तो इसका क्या प्राइस है? 1,10,000 इसका प्राइस रखा था भाई ने, 1,00,000 रुपए। और इसका 1,10,000। इसके बाद एक और भाई बहुत ही बड़े साइज की जो भैंस है, इसकी वीडियो भी मैंने जो अलग से कवर की है। अडर की जो क्वालिटी मैं एक बार नजदीक से दिखाना चाहूंगा। काफ़ी भाई हैं जो पशुओं के जो शौकीन होते हैं, ऐसा पशुधन रखना पसंद करते हैं। तो लगभग कितने दूध वाली भैंस अपने फार्म पे रखते हैं आप भाई जी? मैं सारी भैंसें जो मेरी हैं 18 लीटर से प्लस हैं। 18 लीटर से ऊपर की ही पशुधन, ऊपर का ही पशुधन आप रखना पसंद करते हैं उसे?